मैं इस दुनिया में टॉप पर हूं, यह कोई इंसिडेंस नहीं है बल्कि मैं एक्स्ट्रा करता हूं। ये बात कही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। रोनाल्डो की काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगा लो कि विराट कोहली अगर किसी स्पोर्ट्समैन से बहुत ज्यादा प्रभावित है तो वो और कोई नहीं बल्कि खुद रोनाल्डो है। मैंने उनके कुछ इंटरव्यूज देखे और कुछ पॉइंट्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। इन्हीं एडवाइस आपको और आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। एक सवाल उनसे पूछा गया कि वो क्या है जो कि एक प्लेयर को बेस्ट प्लेयर बनाता है, तो उनका जवाब था वो चाहे कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, बेस्ट प्लेयर हमेशा बेस्ट को फॉलो करते हैं। और जब आप बेस्ट बनना चाहते हो तब आप टाइम पास नहीं कर सकते, ज़्यादा सो नहीं सकते, ज़्यादा आराम नहीं कर सकते, कोई और होगा जो आपसे आगे निकल सकता है। दुनिया के टॉप फुटबॉल प्लेयर से मेरा कॉम्पिटिशन हमेशा चलता रहता है, और कॉम्पिटिशन बुरा नहीं है, इससे आपकी ग्रोथ होती है। हम बेस्ट प्लेयर से कॉम्पीट कर रहे हैं, ये मेरा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। साल दर साल हमें उनसे आगे निकलना है, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो कॉम्पिटिशन बुरा नहीं है बल्कि कॉम्पिटिशन हेल्दी है, इससे हमारी ग्रोथ होती है। और रोनाल्डो कहते हैं कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मेंटेलिटी। एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बने रहना, टीम की हेल्प करना, ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी मेंटेलिटी पर, आपकी पॉजिटिव सेल्फ टॉक पर कि आप अपने अंदर ही अंदर क्या कहते हो। ये चीज़ किसी कोच, फैंस, मीडिया इन पर डिपेंड नहीं करेगी, डिपेंड करेगी आप पर, आपकी मेंटेलिटी पर। और रोनाल्डो कहते हैं कि अगर मैं भी आपके साथ रहूं, आपको एडवाइस दूं, दुनिया का बेस्ट प्लेयर आकर के आपको एडवाइस दे, आपके साथ रहे, लेकिन अगर आपके अंदर से कुछ करने का नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। एक बर्निंग डिजायर, प्रबल इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी ही होनी चाहिए। फिर उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आप दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर हो, तभी रोनाल्डो ने कहा कि मुझे तो यही लगता है कि हाँ, मैं ही दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर हूँ। मैं मेरे माइंड में हमेशा ही बेस्ट रहता हूँ, मैं परवाह नहीं करता कि कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, मैं हमेशा से यही सोचता रहा हूँ और यही सोचता रहूँगा। फिर उनसे ये भी पूछा गया कि आपको नहीं लगता कि लियोन मेसी आपसे कुछ एरिया में बेटर है, तभी रोनाल्डो कहते हैं कि सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं और मैं सबके ओपिनियन की रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं मेरे माइंड में मेसी से बेहतर हूँ। और ये एक बहुत बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बेस्ट हो तो एक दिन आप बेस्ट बन जाओगे। रोनाल्डो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल समय था जब मैं 11 साल का था और जब मैंने घर छोड़ दिया था। घर से अलग रहना, एक अलग ही दुनिया में और सिर्फ फुटबॉल पर फोकस करना मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं लगभग हर दिन रोता, हर दिन अपनी फैमिली को मिस करता, लेकिन आज मुझे रिग्रेट नहीं होता क्योंकि मैं आज जो भी हूँ उन्हीं दिनों की वजह से हूँ। बिना सेक्रीफाइस किए ये सक्सेस मुझे नहीं मिल सकती थी। मैंने भी सेक्रीफाइस किया, मेरी फैमिली ने भी किया और उसी की बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। तभी उनसे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि जब आपका मुश्किल समय चल रहा था तब क्या आपने ये सोचा था कि आज आप इस लेवल पर होंगे जहाँ पर आज आप हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने ये तो इमेजिन नहीं किया था, लेकिन हाँ मैंने इतना इमेजिन किया था कि मैं एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनूंगा, मैं कुछ ना कुछ तो फुटबॉल के अंदर कर ही जाऊँगा। और ये जो बिलीफ है, जो फेथ है ना, ये हर उस इंसान के अंदर थी जो आज एक लेवल पर है। भले उसने ये ना सोचा हो कि मैं अपनी फील्ड में नंबर वन पर होऊंगा, लेकिन उसके अंदर ये तो होता ही होता है कि मैं अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ तो कर जाऊँगा। जिस इंसान को अपने आप पर पूरा विश्वास होता है ना, वही इस दुनिया में वो कर पाता है जो वो करना चाहता है। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, हार्डवर्किंग हो, क्रिएटिव हो, अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है ना तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं। मैं अगर आपको मेरा एग्जांपल दूँ तो भले मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, लेकिन मेरा जो बिलीफ था ना वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मैं यूट्यूब पर कुछ ना कुछ तो कर जाऊँगा। भले ही मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे, लेकिन होंगे, किसी भी हाल में होंगे, होंगे ही होंगे, मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास था। और उसी बिलीफ की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ जहाँ पर आप मुझे देखते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप ये सोच लो कि मैं इसमें नंबर 1 बनूंगा, लेकिन आपका जो बिलीफ है वो बहुत ही कमजोर है। नंबर 1 रहना तो दूर की बात, आप उस फील्ड में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपके सोचने या ना सोचने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो आपके मानने से। हमें कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।